नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर से बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर सेना के एक बड़े प्रतिष्ठान के निकट दो सुअरों को ढेर कर दिया गया है और किस प्रकार एक बार फिर से घाटी में दिखे हैं पत्थरबाज और सेना के ऊपर करी है उन्होंने पत्थरबाजी, इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 2 से 3 दिन पहले की बात है, घाटी में सुरक्षा बलों को सतर्क रहने के आदेश दिए गए थे, क्योंकि हमारी खुफिया एजेंसियों के हिसाब से 10 की संख्या में घातक आतंकी जम्मू कश्मीर में एंटर हो चुके हैं और इनको सेना को निशाना बनाने के लिए भेजा गया है और जो पाकिस्तान के पीओके में हैंडलर बैठे हैं उनके माध्यम से इनको सेना पर बड़ा हमला करने के आदेश दिए गए हैं। तब से सेना जम्मू कश्मीर घाटी में अलर्ट मोड पर चल रही थी और दोस्तों, जैसा खुफिया विभाग के हिसाब से इनपुट मिले थे, ठीक उसी प्रकार से श्रीनगर के रंगरेथ नाम के इलाके में 2 हथियारबंद आतंकी सेना के एक बड़े प्रतिष्ठान के निकट आ पहुंचे और दोस्तों, जब यहां के आम नागरिकों ने हथियार बंद अनजान युवकों को यहां पर आते हुए देखा तो सेना को अलर्ट कर दिया गया। इसके पश्चात इस इलाके में उपस्थित बड़े सैन्य प्रतिष्ठान की सुरक्षा घेरे को और ज्यादा मजबूत किया गया। इसके साथ ही अन्य जवानों ने आतंकियों के खिलाफ इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाना स्टार्ट किया और दोस्तों, आतंकियों को सुरक्षा बलों के आने की भनक लग गई और आतंकियों के द्वारा सुरक्षा बलों पर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया गया। इसके पश्चात दोस्तों, सुरक्षा बलों ने फिर भी आतंकियों को आत्मसमर्पण करने का मौका दिया, परंतु आतंकी नहीं माने और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में दोनों ही आतंकियों को सुरक्षा बलों के माध्यम से मार गिराया गया। इसके पश्चात दोस्तों, सेना को और भी इनपुट मिले हैं कि और भी आतंकी इस इलाके में छुपे हुए हैं जो कि सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए आए हुए थे। परंतु दोस्तों, यहां पर एक और बड़ी घटना इस घटना के पश्चात होती है और आतंकियों के मारे जाने के पश्चात इसी इलाके के कुछ और उनके साथ में महिलाएं सड़कों पर उतर आईं और उन्होंने सुरक्षा बलों के ऊपर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी करना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों, इस साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब सेना के ऊपर पहली बार पत्थरबाजी करी गई है। हालांकि सेना ने पत्थरबाजों के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया है, परंतु भारी पत्थरबाजी के चलते सेना की गाड़ियों और सेना के जवानों को भी चोटों का सामना करना पड़ा है। पर दोस्तों, आप सभी सेना की इस कार्रवाई के ऊपर क्या बोलेंगे कि सेना के ऊपर पत्थर भी बरसाए फिर भी सेना ने उनके पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, और आपके हिसाब से इन पत्थरबाजों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।